आपको कमजोर करने के लिए ये सारी ताकतें लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। किसी सड़क चलते हुए हाल किसे भी पूछोगे तो बता देगा कि मुकाबला भाजपा का समाजवादी पार्टी का नहीं है, सीधा मुकाबला बसपा के साथ है। और बल्कि मुकाबला भी नहीं, 80,000 वोट से बसपा जीत रही है। इस जीत के फासले को कम करने के लिए, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए सारी ताकतें झोंक दी गई है। पहले इस सीट का आरक्षण रखा गया कि इमरान को रोक लो, आरक्षण बदला गया, फिर भी इमरान नहीं रुक पाया इनसे, क्योंकि इसकी मां शायान की बहनवाद है। फिर इसके सर्टिफिकेट के ऊपर पूरी ताकत लगाई गई, पूरी ताकत लगाई गई। अल्लाह ने वो भी काम कर दिया, दो मंसूबे में काम कर दिए। अब तीसरा मंसूबा, कल मैंने पत्रकारों से भी कहा था कि तीसरा हथियार ये जो बसपा को भी जीत बताते हैं, ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सहारनपुर के अंदर मुसलमान लगाना है, सहारनपुर में मुसलमान इसलिए लगाना है कि एक बोल कर वो मुसलमान की आवाज को कमजोर कर दू। सहारनपुर में मुसलमान इसलिए लगाना है कि अखिलेश की आंख में आंख डालकर बोलने वाला मुसलमान खड़ा ना रह सके। आजम खान को तबाह कर दिया, जितनी वोकल लीडरशिप थी वो सारी वोकल लीडरशिप
खोल के रख देंगे। रात को 12 बजे भाजपा की सरकार में एक विधायक के भाई का गाजियाबाद से आकर सहारनपुर वोट बनता है, ये बता दो साजिश नहीं तो क्या है। भाजपा की सरकार ने हमारे चाइल्ड सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की साजिश की जाती है, लेकिन एक आदमी का रात को 12 बजे वोट बन जाता है, जाकर के कलेक्टर की चाय पी और वोट तैयार हो गया। क्या है समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, उसे पता है कि सहारनपुर में दाल गलने वाली नहीं है। अभी आप देख लीजिए मेयर की सीटों का, मेयर के लिए 8 प्रत्याशी 17 में से सपा ने घोषित किए। मेरठ में जहां 3 एमएलए वहां का एमएलए रमेश अंसारी गिड़गिड़ा रहा है टिकट मांगने के लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया क्योंकि टिकट सहारनपुर में मुसलमान का कोटा पूरा करना है, टिकट मांग देंगे क्या हारेगा। जहां 3 बार मेयर मुसलमान जीत चुका है वहां टिकट नहीं देंगे क्योंकि इन्हें मुसलमान जीतता हुआ नहीं मुसलमान बिकता हुआ चाहिए, इन्हें बोलता हुआ मुसलमान नहीं चाहिए, इन्हें पैर छूने वाला मुसलमान चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब जब आपने कमजोर करने का काम किया, बार बार यही तो था कि इमरान के पास प्लस नहीं है, आपने एक तरफा वोट डाला मुझे 2014 में 4,10,000 वोट मिला, लेकिन चुनाव फिर भी हार गया, चुनाव फिर भी हार गया। और आपकी मोहब्बत का आलम देखिए, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, पत्ता पत्ता बोल रहा था कि इमरान हारेगा, लेकिन 2,10,000 वोट देकर के लोगों ने मेरी ताकत को बनाने का काम किया। आज फिर वक्त आ गया है कि 10 साल मैंने हारने की लड़ाई लड़ी, अपने आप को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ी, अब वक्त आ गया है जीतने का, अब जीतने का वक्त है। अब जिला पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक चुनाव इंशाल्लाह नहीं हारेंगे। समीकरण बिल्कुल साफ है, समीकरण बिल्कुल साफ है। पार्लियामेंट में 8 लाख के पार आओ, कितनी पहलवानी करनी है तुम्हारे में, कितना दम है, सारे मिलकर के लड़के देख लो, जब ये नीला झंडा हाथी निशान और कहते का सर पे हाथ है तो फिर अल्लाह मेहरबान, ये अल्लाह की मेहर है कि बहन जी ने सर पे हाथ रख दिया, ये अल्लाह का करम है, और अल्लाह मेहरबान तो कदा पहलवान, ये अल्लाह का गदा है, इसकी मोहब्बत इनसे नहीं निकाल सकते तुम। लोगों के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है, ये किसी इंसान के बूते की बात नहीं कि अल्लाह के फरमान को अल्लाह की इस मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल। जब लाठी चले तो नाम आएगा कुरबान का, फुरकान का, सुल्तान का, इमरान का, लेकिन जब वोट का नंबर आए तो फिर ये निकल के आएंगे मलिक साहब, ये निकल के आएंगे राणा साहब, ये निकल के आएंगे शेख जी, ये निकल के आएंगे सैयद जी, ये निकल के आएंगे पठान जी, ये निकल के आएंगे मुगल जी, ये गुजर जी, ये साजिश है आरएसएस की। जब तुम्हारे पैर तक बजेगा तो तुम मुसलमान हो।